मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो की धाकड़ निर्भीक पत्रकार रविकांत द्विवेदी आर के व कुठौन संवाददाता सौरभ पांडे की खबर का हुआ बड़ा असर। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल पर कल ही गौवंशों की दुर्दशा और ग्राम जखा में 3 गौवंशों की मौत की खबर दिखाई गई, तो जिला प्रशासन द्वारा लिया गया संज्ञान। जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी मोहित सचान कुठौन को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित। जिले के आला अधिकारियों ने दिए सख्त संकेत कि किसी भी सूरत में गौशाला में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। इसी क्रम में आज भी जारी है बेजुबान गौवंशों की मौत का सिलसिला। कोंच विकासखंड के ग्राम इंगुई खुर्द में ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। भूख व ठंड से आपस में झगड़कर आज फिर बेजुबान गौवंशों ने तोड़ा दम। स्थानीय ग्रामीणों ने मृत गौवंशों के वीडियो किए वायरल। 2 दिन पहले ही ग्राम प्रधान और सचिव पर ग्रामीणों ने नारेबाजी कर लगाए थे गौशाला में लापरवाही के गंभीर आरोप। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद भी नहीं हो सकी थी कोई बड़ी कार्यवाही। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गौशाला की व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रहे ग्राम प्रधान और संबंधित सचिव। गौशाला में पर्याप्त नहीं जल रहे अलाव, ठंड और भूख से प्रतिदिन गौवंशों की हो रही असमय मौत। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल पर खबर प्रसारित होने पर खबर को तत्काल संज्ञान में लेते हुए मौके पर वस्तु स्थिति की हकीकत परखने इंगोई खुर्द पहुंचे उप जिलाधिकारी कोंच अतुल कुमार। एसडीएम कोंच अतुल कुमार ने गौशाला का बारीकी से किया निरीक्षण। जनपद के उच्च अधिकारियों को एसडीएम कोंच ने भेजी जांच रिपोर्ट। काम में लापरवाही बरतने वालों पर कभी भी हो सकती है बड़ी कार्यवाही। इंगुई खुर्द में मृत गौवंशों का एक मामला सामने प्रकाश में आया है, उसमें वस्तु की स्थिति जानने के लिए आप स्वयं तत्काल प्रभाव से मौके पर गए, क्या कुछ पाया और क्या कार्रवाई की? एक सूचना प्राप्त हुई कि इंगुई खुर्द में 3 गोवंश मृतक हुए हैं। इस संबंध में मैं इंगुई खुर्द की गौशाला में पहुंचकर मैंने निरीक्षण किया और वहां 45 गोवंश मुझे मिले, अभिलेखों के अनुसार भी वहां 45 है। इस संबंध में मैंने जब पशु डॉक्टर श्री प्रदीप बघेल जी से बात की तो उन्होंने बताया कि गोवंश के मृतक होने की घटना उनके संज्ञान में है और वो परसों और कल यानी बीते हुए कल भी वो उपचार के लिए आए थे और उपचार किए जाने के बाद उन 3 गोवंशों की मृत्यु हुई और उसका नियम पूर्वक निस्तारण किया गया उनके शवों का। तो मृत्यु के कारण के विषय में जब मैंने उनसे पूछा तो दूरभाष पर उन्होंने ये बताया कि जब आहार को लेते समय जो गोवंशों के बीच में टक्कर होती है उससे इंटरनल इंजरीज हुई थी। तो मैंने उनसे पोस्टमार्टम के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम इसका नहीं हुआ है लेकिन पंचायतनामा हुआ है। जहाँ तक गौशाला में व्यवस्थाओं की बात है तो वहाँ तिरपाल पाई गई, हाँ, लेकिन मैंने ये पाया कि जो अलाव की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं थी, जहाँ पर लकड़ियों की संख्या और मात्रा भी पर्याप्त नहीं थी और गोवंशों के जो यूरिन के निस्तारण के लिए जो नाली बनी होनी चाहिए वो इस समय नहीं है। लेकिन मुझे प्रधान और सचिव द्वारा वहाँ बताया गया कि 1 हफ्ते के अंदर यूरिन के निस्तारण हेतु नाली बन जाएगी। हालांकि वहाँ शेड है लेकिन गोवंशों की संख्या को देखते हुए शेड का आकार वहाँ पर्याप्त नहीं है। जहाँ तक उपचार की बात है, उपचार रजिस्टर पशु डॉक्टर के पास रहता है और मैंने वहाँ जो वित्तीय रजिस्टर होते हैं उनकी जानकारी करनी चाहिए तो बताया गया कि जिला मुख्यालय पर उन रजिस्टरों को किसी डेटा अंकन के लिए मंगाया गया है। ओवरऑल मैंने सचिव को निर्देश दिए कि यहाँ पर हरा चारा हमेशा पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन आज हरा चारा देखने को नहीं मिला, ना ही वहाँ कोई स्टॉक में हरा चारा था। तो प्रधान ने बताया कि वो किसी के निजी खेत में बरसीम उगा रहे हैं तो कुछ दिनों बाद हरा चारा भी उनको पर्याप्त होगा। वर्तमान में मटर की अर्किल गोवंशों को खिलाई जा रही थी, हाँ, सूखा चारा पर्याप्त मात्रा में था, साफ था, पीने के पानी की व्यवस्था भी ठीक थी, वहाँ सबमर्सिबल लगी हुई है। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष व्यक्त किया जिसको मैंने नोट डाउन कर लिया है और इस संबंध में मैंने BDO साहब से भी बात की तो BDO साहब ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जाँच कराई जाएगी, जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे खासतौर से यदि सचिव की भूमिका की लापरवाही दिखेगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।